नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। गर्मी के दिनों में फ्रिज में बोतल रखना आम बात है, लेकिन अगर आप फ्रिज में रखने के लिए प्लास्टिक की बोतल रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाल ही में एक रिसर्च के अनुसार पानी की बोतल दो तरह की होती है, साथ ही ये भी खुलासा किया है कि पानी की बोतल में दो तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं। इसमें नेगेटिव बैक्टीरिया और बैसिलस बैक्टीरिया शामिल है। नेगेटिव बैक्टीरिया कई तरह के इन्फेक्शन पैदा करते हैं और ये हेल्थ काफी हद तक खराब कर सकते हैं। बैसिलस बैक्टीरिया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम पैदा करते हैं, जो खासकर पेट से जुड़ी समस्या पैदा करता है। क्या फ्रिज में रखी बोतल में भी बैक्टीरिया होते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रिज में रखी बोतल में काफी ज्यादा बैक्टीरिया होता है। आप जितना अनुमान भी नहीं लगा सकते, उससे कहीं गुना ज्यादा। इससे आप काफी बीमार हो सकते हैं, इसलिए जब भी फ्रिज में पानी रखें तो एकदम भूल से भी सस्ती प्लास्टिक की बोतल यूज ना करें, क्योंकि ऐसी बोतल में बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। साथ ही अगर फ्रिज में बोतल रखें तो हाई क्वालिटी की बोतल रखें और इसे हमेशा 2 से 4 दिन के बीच में साफ जरूर करें। इससे आपकी बोतल किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बची रहेगी। पेट से जुड़ी बीमारी। फ्रिज में आप काफी देर तक प्लास्टिक की बोतल में पानी रखते हैं तो इससे आपको पेट से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं। इसके लिए आपको फ्रिज में पानी वाली बोतल में 2 से 3 दिन के अंतर साफ करें। इससे आपके शरीर पर बैक्टीरिया का हमला नहीं होगा और ना ही पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।